तो है गाइस, पिछली क्लिप में भाई मुझे बताओ कि भाई मेरे साथ हुआ क्या था। भाई बंदा कहीं और था, फायरिंग साउंड कहीं और से आया। भाई बड़े बड़े यूट्यूबर्स का मैंने देखा है कि यही ग्लिच होने लगता है आजकल फायरिंग साउंड का। तो भाई ये भाई पबजी को मैंने रिपोर्ट भी किया था कि भाई फायरिंग साउंड सही करो। तो भाई पता नहीं क्या हुआ, पबजी वाले कुछ रिस्पॉन्स भी नहीं देते हैं। तो भाई यहाँ मुझे बहुत ही बड़ी बवाल बवाल गन मिल गई, AKM और M4। तो भाई अब तो मैंने सोचा कि ये मैच में चिकन डिनर तो पक्का है, क्योंकि भाई जब शुरुआत में अगर आप हॉट ड्रॉप कर रहे हो और आपको अच्छी अच्छी गन मिल जाए तब भाई मज़ा ही आ जाती है। तो भाई गन वन मिल गई थी, बहुत हो गया था। तो अब भाई मैं सोच रहा बंदे मारते हैं इधर उधर। भाई इधर मुझे दो बंदों के फुटस्टेप्स की आवाज़ आई, एक जा रहा था लेकिन दूसरा बंदे की इतनी तेज़ थी कि मेरी हिम्मत नहीं थी मैं बाहर निकल जाऊँ। तो भाई यहाँ पे इस बंदे ने इसको मारा, मैंने इस बंदे को मार के भाई जो जबर मैंने इसको थर्ड पार्टी करी ना, ये भाई देखेगा तो पगला जाएगा। तो भाई इसके बाद मैं छत पे आ गया, छत पे तो देखो भाई बंदे तो मिलते हैं, मार नहीं पाए लेकिन नीचे से फायरिंग साउंड आई तो मैंने इसको बजा दिया काफ़ी आराम से। तो भाई मैंने गन रिलोड की, थोड़ी सी हेल्थ किट लगा ली क्योंकि भाई बहुत तगड़ा डैमेज दे दिया था, मैं अचानक से निकला था फिर भी इतना तगड़ा डैमेज दे दिया। तो भाई यहाँ पर मैंने हीलिंग लगाई और भाई फिर से निकल गया बंदे मारने। तो भाई यहाँ बगल में मुझे फुटस्टेप्स आए थे, मैं थोड़ी देर रुकता हूँ और देखता हूँ, रीड करता हूँ फुटस्टेप्स। तो फिर भाई यहाँ मैं जैसे ही निकला बहुत वेट कर लिया, यहीं सामने बंदा आ गया। तो भाई यहाँ थोड़ी चूक हुई, मेरा 3x खुल गया जबकि मैंने शायद होलोग्राफिक इक्विप करना था, मैं भूल गया था कि 3x इक्विप करके। तो मुझे पता वो पीछे से आएगा, भाई पीछे से जाकर उसको मैंने ठोक दिया और फिर निकल गया बंदे मारने। तो इससे मुझे काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ मिल गई और जो चाहिए था वो मिल गया, 4x मिल गया। तो भाई यही मैंने हीलिंग ली और भाई मैं तो निकल गया और बंदे ढूंढने के लिए। तो भाई मैं जैसे ही इधर आया मैं देखा कि कोई बंदा नहीं दिखा, फिर एकदम अचानक से मुझे फुटस्टेप्स आए। तो भाई यहाँ पे बंदा एकदम से हिल ही गया होगा, मैं जैसे ही आया मुझे लगा कि फिर तो डिकॉक्टर है, वो भी नाइटमेयर एनफोर्सर देव। यहाँ मैं बहुत वैसे लूट रहा था देख देख के कि सामने से बंदे ना मार दें। भाई यहाँ पे मैं आया, मुझे पीछे से फुटस्टेप्स आए तो मैं ज़रा सा रोटेट करने के मारने की कोशिश किया था। भाई सामने से जब फुटस्टेप्स आने लगे तो मैं फिर और इधर डर गया। फिर भाई मैं जब इधर आके देखा तो भाई ये बंदा तो कुछ और ही जलवे में था, भाई एकदम धूम मचाले की तरह आया, बिना गन इक्विप किया ना कुछ। हालांकि इसका उजी और QBZ थी लेकिन इसने इक्विप ही नहीं किया, पता नहीं पगला क्या था लगता है। भाई फिर हम और बंदे ढूंढने के लिए निकले और भाई यहीं पे ये कार 98 चला रहे थे सप्रेसर लगा के, भाई इनको ठोक दिए। फिर मैं सोचा चलो बाद में इसे लूटने आएंगे, पहले सामने वाली पार्टी को पहले धो के रखते हैं। भाई यहाँ चले गए फिर सामने धोने के लिए। तो भाई यहाँ पे खूब लड़ाई हो रही थी, दो बंदे आपस में लड़ रहे थे, लेकिन भाई मैं इस मैच में सही बता रहा हूँ इतनी ज़्यादा थर्ड पार्टी मैंने आज तक नहीं की। टुक टुक मैंने सोचा भाड़ में जाए बाद में मुलाकात होगी, भाई ये भाई अभी अभी लड़ के आया था, मैंने किल फीट में देखा अभी इसने दो बंदे मारे थे यहीं पर। तो भाई यहाँ पर मैं सोचा कि चलो इसको लूटने चलते हैं, फिर वहीं पर एक और बंदा मिल गया उसे भी ठोक दिया और इसी के साथ 8 kills भी हो गए। तो हमारे पास कॉन्फिडेंस था कि ये चिकन डिनर तो पक्का है। तो भाई मैं इस घर में फिर से आ गया जिस बंदे को मैंने मारा था उससे कार 98 और सप्रेसर लेने के लिए। तो भाई मैंने यहाँ कार 98 भी मिल गए मुझे, भाई एकदम चकाचक अब तो एकदम मैं रेडी हो गया था। और भाई फिर सामने मैंने एक प्लेयर ड्रॉप देखा, भाई एकदम से मेरा तो एकदम दिमाग ख़राब कि भाई इस बार तो ये डब्बा आ रहा है तो मैं ही लूटूंगा, लेकिन मैं अकेला नहीं था लूटने के लिए, जिस बंदे ने लूटा था वो खुद ही लूट गया था और मैं पीछे से थर्ड पार्टी करने आया जल्दी जल्दी। लेकिन भाई मैंने सोचा कि भाई ये तो बहुत दूर है तो बंदा वहाँ तो नहीं रहेगा, फिर मैं इधर उधर देखने लगा कि शैक में तो नहीं है। जैसे ही मैंने यहाँ से स्कोप हटाया मुझे पीछे से ही पड़ने लगी, भाई बंदा यहाँ लेटा हुआ था, पता ही जहर बंदा था, भाई गोली रिजोर्ट करने लगा वरना मैं तो गया था यहाँ पे।
तो भाई इसके पास से मुझे एक ओम मिल गई, और ओम मिल गई तो भाई हेडशॉट तो मारना ही था, लेकिन आप यकीन नहीं करोगे पूरे मैच में मैंने ओम ही नहीं चलाए, मेरा मन ही नहीं किया, मैंने सोचा स्प्रे करके ही मारेंगे, लेकिन भाई बंदे ही इतना दूर नहीं थे कि मैं स्प्रे करके मार पाता। तो सामने एक हवाई डब्बा पड़ा हुआ था, तो मैं उसी के पीछे पीछे जाने लगा, सोचा कि बंदे मिलेंगे, किल मिलेंगे, लेकिन भाई क्या पता था कि इधर से भी फायरिंग चलेगी, उधर से भी फायरिंग चलेगी। भाई मैं सोचा कि छोड़ो भाई डब्बे को छोड़ो, और फिर इधर उधर पे बंदे ढूंढते हैं, क्योंकि भाई मेरे पास ऑम थी तो डब्बा लूटने कोई फ़ायदा नहीं था, और मैं M4 तो छोड़ने नहीं वाला था, क्योंकि भाई मैं M249 पे भी M4 नहीं छोड़ता हूँ, तो ये रूजा रूजा क्या बात है। भाई इधर से फायरिंग आई, मैं सोचा चलो यहीं चलते हैं, कम से कम बंदे मिल जाएंगे। तो भाई जैसे मैं यहाँ पे आया तो मुझे दिखा एक बंदा दौड़ता हुआ, भाई बहुत ही कम हेल्थ थी, शायद मैं 2-3 शॉट्स में इसकी ऐसी की तैसी हो गई। तो फिर भाई मैं यहाँ पे आया, फिर से इसी घर में आया देखने के लिए कोई बंदा तो नहीं है यहाँ पे। तो भाई जोन भी आने लगा, तो भाई मैं सोचा चलो जोन में भागते हैं, भाई अभी भी जोन दूर था। तो भाई जैसे ही मैं इधर बैठा, मेरे को फुटस्टेप्स आया, मैं एकदम से पता नहीं क्या हो गया, और भाई यहाँ पे दोस्त का फ़ोन भी आने लगा, एकदम इंटेंस सिचुएशन पे जब किसी का फ़ोन आता है तो एकदम दिमाग ख़राब हो जाता है। हमको ने सोचा ये हमने काट दिया, फिर भाई जो धमाका मचा था यहाँ पे, एक बंदा दो बंदे को मार दिया, और भाई भागी रहा था जोन में, भाई ऐसा जोन मैंने कभी भी नहीं देखा, भाई एकदम पहाड़ी में जाके एंड हो रहा था। तो भाई यहाँ पे सामने वाले घर से फायरिंग साउंड आ रहा था, भाई यहीं से मैंने बूस्टर लगाया और निकल पड़ा बंदे के लिए। भाई जैसे ही मैं इधर से जा रहा था, मैंने देखा कि एक बंदा दौड़ता हुआ जोन की तरफ जा रहा है, तो भाई मैंने सोचा कि चलो इसको यहीं पे टपका दिया जाए। तो भाई ओम से ओम मुझे याद ही नहीं आई कि ओम भी थी मेरे पास, मैं इसको ऐसे ही स्प्रे देकर मारने वाला था। भाई यहाँ पर 12 किल भी पक्के हो गए थे, और भाई बस 4 बंदे बचे थे, और मुझे पक्का शक था कि इन घरों में एक ना एक बंदा तो होगा, पर भाई कोई नहीं निकला, इसीलिए मैं भाई इस घर में आया और चिल मारने लगा यहीं पर जब तक जोन नहीं आता दूसरा। तो भाई जोन पहाड़ी की तरफ शिफ्ट हो गया था। अब भाई मैं इधर जाके देख रहा था कि भाई इधर से जगह है कि नहीं, तो भाई यहाँ पे तो एकदम जोन ने कब्जा करके रखा, तो भाई मैं डर गया कहाँ से जाएंगे कहाँ से जाएंगे, क्योंकि भाई एकदम क्वेरी जैसी सिचुएशन हो जाती है, एकदम पहाड़ लेते हैं चढ़ने का रास्ता नहीं रहता है। तो भाई यहाँ मैंने थोड़ी सी एनर्जी ड्रिंक लगाई और मैं पीछे से जाने लगा। भाई यहाँ पे सोचा कि भाई 3 बंदे और बचे हैं, भाई चिकन डिनर तो पक्का है, लेकिन भाई यहाँ पे भाई इतने गजब गजब तरह के कैंपर मुझे मिल गए कि मेरा गेम प्ले यहाँ बिगाड़ दिया। मैं यहीं से जा ही रहा था इधर उधर देखते हुए कि भाई कोई बंदा तो नहीं है, क्योंकि भाई ओपन में जब लेटे रहते हैं और मर जाते हैं ना तब बहुत दिमाग ख़राब होता है, और तभी मैंने ये चीज़ देखी
कि भाई पीछे बंदा बैठा हुआ है, मतलब कहाँ खोया हुआ है भाई, मुझे कोई पूछताछ नहीं है, एकदम चौंक गया भाई। ये तो सही हुआ कि यहाँ पर मैंने इसको किसी तरह मार दिया। और भाई यही फ़ायदा होता है एक्सटेंडेड क्विक ड्रॉ मैग का, मुझे इसकी गोली ख़त्म हो गई थी, रिलोड कर रहा था और बस वही टाइम था मेरे लिए इसको बजा लेने का। भाई यहाँ पर मैं प्रोन का बटन दबा था, मैं प्रोन ही नहीं हो पा रहा था, वहाँ यहाँ क्राउच करके हीलिंग विलिंग लगाई और फिर सोचा कि आगे जाएंगे, लेकिन बस यहीं पर मेरे गेम प्ले की ऐसी की तैसी हो गई। तो भाई यहाँ पे मैं सांप के चंगुल में फंस गया और मेरा काम ही तमाम हो गया। तो होप यू गाइस एंजॉयड द